गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डेमोंस्ट्रेशन करेंगे। आपको मैं वीडियो में बताऊंगा पीपीटी के माध्यम से कि हम पीपीआर बेल्ट का जोड़ जो लगाते हैं कैसे लगाते हैं। उसमें आपको डायग्राम के साथ साथ डेमोंस्ट्रेट करके बताऊंगा। उसके बाद इसी जो हमारा अभ्यास है इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अभी हम इसका डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे कि कैसे कैसे हमने करना है। इसके बाद हमने वर्कशॉप में जाके इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो हमारा जो अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, इसका नाम है पीपीआर पाइप में पीपीआर वेल्डिंग द्वारा जोड़ लगाना। मतलब जो हमारी पीपीआर पाइप है, पीपीआर की फुल फॉर्म होती है पॉली प्रोपलेन रैंडम पाइप। तो इस पाइप में जोड़ कैसे लगाना है हमें, आप सभी को पता होगा। हम इसमें गर्म करके पाइप को गर्म करते हैं बेल्ट मशीन द्वारा, फिर जोड़ लगाते हैं। तो इसको हम स्टेप बाय समझेंगे कि हमने वो जोड़ कैसे लगाना है। इस डेमोंस्ट्रेशन को करने का जो हमारा उद्देश्य है वह है पीपीआर पाइप की पहचान करना। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि पीपीआर पाइप क्या होती है। उसके बाद पीपीआर वेल्डिंग के लिए सही तापमान का चुनना या जानना। क्योंकि जब भी हम मशीन को गर्म करते हैं तब हमें पता होना चाहिए कि मशीन का तापमान कितना होना चाहिए जिसमें वो पाइपों को आसानी से वेल्ड कर सके। उसके बाद हम जानेंगे पाइप कटर का उपयोग करना। जब हम पीपीआर पाइप को पाइप कटर के माध्यम से काटेंगे तो हम देखेंगे कि सही कट किस तरीके से लगता है। हमारी पाइप में जो कट है वो पूरे 90 डिग्री पे लगना चाहिए। जो उसकी सेंट्रल एक्सिस है, मध्य जो रेखा है, उसके पूरे ही 90 डिग्री में हमारा कट लगना चाहिए। उसके बाद पीपीआर वेल्डिंग जोड़ लगाना। ये चारों जो उद्देश्य हैं इनको हम आज के डेमोंस्ट्रेशन के बाद जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये हमारे चारों उद्देश्य पूरे होने चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स की। प्रैक्टिकल के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनको हम देखेंगे कि हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इस्पात का पैमाना। इससे हम पाइप की सही लेंथ को मापते हैं। उसके बाद मार्कर, पाइप पे निशान लगाने के लिए कि हमने कितना कट करना है। उसके बाद बी क्लैंप, पाइप कटर, ट्राई स्क्वायर, फाइल, पीपीआर बेल्डिंग मशीन इत्यादि। जो हमें सामग्री, जो मटेरियल चाहिए इस प्रैक्टिकल के लिए वो क्या चाहिए, सबसे पहले पाइप, पीपीआर पाइप चाहिए, मार्किंग मीडिया चाहिए, पीपीआर फिटिंग्स चाहिए। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो पाइप के साथ हमारे पास फिटिंग्स होनी चाहिए जिनको आपस में हम जोड़ेंगे तो इस प्रैक्टिकल को कर पाएंगे। और इसके साथ ही हमें चाहिए एक्सटेंशन बोर्ड, जो इलेक्ट्रिकल एक्सटेंशन बोर्ड है उसकी क्या आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि पाइप, जो हमारी मशीन है वेल्डिंग मशीन, इसकी जो कॉर्ड होती है, जो इसकी तार होती है, वो कम छोटी ज्यादा लंबाई नहीं होती उसकी, हमें साइड पे जाना पड़ता है। तो उस टाइम हमारा हो सकता है वहां पे कोई सॉकेट ना लगाओ, तो हमें एक्सटेंशन बोर्ड उस समय उपयोगी हो जाता है। एक्सटेंशन बोर्ड से हम थोड़ी दूर जाके वेल्ड कर पाएंगे। अब हम समझते हैं कि इस प्रैक्टिकल को जब हम करेंगे तो हमारा क्रिया का क्रम क्या रहेगा, जो हमारी प्रोसीजर है, जो हमारी जॉब सीक्वेंस है वो कैसी रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेस द राइट साइज सॉकेट ऑन टू द फ्यूजन टूल। इसमें फ्यूजन टूल क्या है, हमारी ये जो पीपीआर वेल्डिंग मशीन, इसको हम बोलेंगे फ्यूजन टूल। अब राइट सॉकेट, अब हमारे पास दो असेंबलियां होंगी, एक मेल सॉकेट होगा, एक फीमेल सॉकेट होगा। ये दोनों इस फ्यूजन, ये जो आपको इसमें होल दिख रहे हैं ना, ये वाले, इसमें जोड़े दिए जाएंगे। इन दोनों को इसमें कसा जाएगा नट के जरिए। लेकिन हमने ध्यान रखना है कि जैसे ही हमने पाइप बेल्ट करनी है, अगर 20 एमएम की पाइप बेल्ट करनी है तो 20 एमएम का सॉकेट और फीमेल और मेल सॉकेट लगाना है, 25 का तो 25 की। जिस साइज की हमने पाइप बेल्ट करनी है उसी साइज की ये फिटिंग हमने मशीन के साथ तैयार रख देनी है। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे,
plug in the fusion tool to begin heating the sockets. अब जो इसमें हमने यहां सॉकेट लगा रखे हुए हैं, मशीन में सॉकेट जब हमने लगाए, हमने मशीन को क्या कर दिया, प्लग इन कर दिया। अगर तो आपकी कोड सॉकेट तक पहुंचती है तो ठीक है, नहीं तो पहले हम यहां पे एक्सटेंशन कोड लगाएंगे और फिर मशीन को प्लग इन करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी मशीन गर्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन गर्म करने से पहले आपने इसको सेट करना है कितने, 260 डिग्री पे। मशीन को हम सेट करेंगे 260 डिग्री पे, क्योंकि जो हमारी पीपीआर बेल्ट मशीन है ये 260 से 70 डिग्री जो इसका तापमान है वह सबसे अच्छा रहता है। तो हमने इसको 260 पे सेट करके गर्म करने के लिए छोड़ देना है। अपने अगला स्टेप जो है हमारा, ट्रिम योर पाइप टू लेंथ विद ए स्मूथ क्लीन कट। जो हमारी पाइप है पीपीआर पाइप, उसको हमने कट करना है। आपको ये दिख रहा है कटिंग करते हुए, इस तरीके से हम कट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, मार्कर की मदद से निशान लगाएंगे जितना हमें ड्राइंग के लिए पाइप चाहिए उतनी पाइप को काटेंगे। ये मेजरमेंट हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टील रूल। अगर आपकी ये पाइप हमने 1 फीट से कम, 30 सेंटीमीटर से कम काटनी है तब हम स्टील रूल यूज कर लेंगे। अगर लेंथ उससे ज्यादा है तो हम मेजरिंग टेप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। जब हमने ये मेजर करने के बाद मार्क कर लिया तब हम कटर की सहायता से यहाँ से कट कर देंगे पाइप को। लेकिन ध्यान रहे आपका कट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसमें जो बर है वो नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो जब हम जोड़ेंगे उसको तब दिक्कत देंगे। हमारा कट पूरी तरह से स्मूथ होना चाहिए, पाइप कटर द्वारा ही हमें पीपीआर पाइप को काटना चाहिए। अगर हम हैक्सा ब्लेड की मदद से इसको काटते हैं तो एक्स्ट्रा मटेरियल रह जाता है जो हमें जोड़ते समय दिक्कत देता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी पाइप कट जाएगी तो हमने क्या करना है, क्लीन द पीपीआर पीस विद ए क्लॉथ एंड रिकमेंडेड क्लीनर। जैसा भी हमने, हमें जो क्लीनर रिकमेंड किया जाए, अच्छा कपड़ा भी हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो हम स्मूथ फाइल का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपको दिखाया गया है पाइप को अंदर से भी, ये इनसाइड क्लीनिंग हो रही है और ये आउटसाइड, तो पाइप को अंदर और बाहर दोनों साइड से हमने क्या करना है, साफ कर लेना है ताकि उसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ना रह जाए जो हमारे, जो हमने जोड़ लगाना है उसको लीकेज का कारण बने। तो हमने पाइप को साफ कर लेना है अच्छे से। उसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा, हमने जो हमारी पाइप फिटिंग है उसकी डेप्थ मेजर करनी है। क्या बोल रहा है, मार्क द वेल्डिंग डेप्थ ऑन द जॉइनिंग एंड ऑफ द पाइप। जितनी हमारी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक, यहां बना देता हूं, ये है हमारे पास एक फिटिंग। अब इसमें एक डेप्थ होती है, यहां पर निशान लगा हुआ है इस फिटिंग में इस तरीके से कि हमारी पाइप कितना अंदर तक जा सकती है इसमें। तो हमने स्केल की मदद से पहले इसकी इनसाइड डेप्थ को मेजर करना है कितनी है, और फिर जितनी डेप्थ है उतना निशान हमने पाइप के ऊपर लगा देना है। इससे क्या होगा, जितनी पाइप हमारी सॉकेट के अंदर जाएगी या किसी भी फिटिंग के अंदर जाएगी, हम उतनी ही पाइप को गर्म करेंगे। अगर हम एक्स्ट्रा पाइप को गर्म कर देंगे, मान के चलो कि मैंने इतनी, मेरे को चाहिए थी इतनी लेंथ, मैंने गर्म कर दी इतनी, तो ये जो एक्स्ट्रा पाइप मैंने गर्म की, ये क्या होगा, जब मैं यहाँ फिटिंग के अंदर इसको लगाऊंगा, इतनी लेंथ के बाद जो एक्स्ट्रा लेंथ गई थी, इसको जाने के आगे जगह नहीं होगी। जब इसको जाने के अंदर स्पेस नहीं है तो क्या होगा, ये पाइप यहाँ पे मुड़ जाएगी आगे जाके। जब दोनों साइड से मुड़ेगी तो जो पाइप का एक्चुअल डायमीटर है, जितना उसका इनसाइड डायमीटर है, यह उसको कम कर देगी, क्योंकि ये आगे जाके इकट्ठी हो जाएगी। इकट्ठी होने से क्या होगा, हमारी पाइप की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जोड़ जो है हमारा अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने उतनी ही पाइप गर्म करनी है जितना भी सॉकेट के अंदर अडेप्ट करने का स्पेस हो, जितने अडेप्शन की, जितनी इसकी अडेप्शन की क्षमता है हमारे फिटिंग की, उतनी ही पाइप हमने गर्म करनी है ताकि आगे जाके पाइप इकट्ठी ना हो।
अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, कंफर्म दैट द फ्यूजन टूल इज फुली हीटेड। जो हमारी मशीन है पीपीआर वेल्डिंग मशीन है, हमने ये कंफर्म करना है कि वह पूरी तरह से हीट हो चुकी है, 260 डिग्री उसने अटेन कर लिया है। कैसे पता चलेगा, इसमें ये लाइट है, जब ये ग्रीन लाइट जगेगी उसमें तो क्या होगा, हमें पता लगेगा कि हमारी मशीन जो है वेल्डिंग के लिए रेडी हो चुकी है। जब हम यहां पहुंचेंगे तो हमारी मशीन क्या है, वेल्डिंग के लिए रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द वेरी हॉट फ्यूजन टूल, क्योंकि आपको पता 260 डिग्री टेम्परेचर जो है, 260 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर आपकी बॉडी के टच में आएगा तो ये आपको जला देगा। तो सबसे जो हमारा प्राइम जो हमारा पार्ट है, बॉडी पार्ट जो इसके साथ टच होने के चांसेस रहते हैं, वो होते हैं हमारे हाथ। तो हमने अपने हाथों को ऐसे ग्लव्स पहनने हैं जो हीट रेजिस्टेंट हो, जो तापमान का विरोध करें, तापमान रोधी हमने ग्लव्स पहनने हैं, ताकि हमारे हाथों को कहीं जल ना जाए हमारे हाथ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब ये हमने जो पीपीआर वेल्डिंग मशीन है इसमें सॉकेट लगाए थे दोनों, एक हमने लगाया था यहां पे, इस साइड क्या लगाया था हमने, मेल सॉकेट, और इस साइड हमने क्या लगाया था, फीमेल सॉकेट। अब हम करेंगे क्या, जो हमारा फीमेल सॉकेट है उसमें हम इंसर्ट क्या करेंगे, पाइप को, क्योंकि हमारा जो फीमेल सॉकेट है वह इस तरह का होगा, और पाइप इसके अंदर ऐसे इजीली इंसर्ट हो जाएगी। तो यह पाइप को बाहर की सतह जो पाइप की, इसको गर्म करेगा, पाइप की जो बाहर की सतह है इसको गर्म करेगा और वेल्डिंग के लिए रेडी करेगा। और जो हमारा मेल सॉकेट है, अब आपको पता मेल सॉकेट कैसे होगा दिखने में, इस तरीके से दिखेगा मेल सॉकेट। अब इसके अंदर क्या इंसर्ट करेंगे हम, जो हमारी पाइप फिटिंग है, पाइप फिटिंग को इस तरीके से हमने इंसर्ट कर दिया। ये मेल सॉकेट क्या करेगा, पाइप फिटिंग के जो आंतरिक सतह है, अंदर के पोर्शन को गर्म करेगा। अब फीमेल सॉकेट ने पाइप को बाहर से गर्म कर दिया, मेल सॉकेट ने फिटिंग को अंदर से गर्म कर दिया। अब जब हमें ऐसा लगेगा कि हमारी जो फिटिंगें हैं पूरी तरह से गर्म हो चुकी हैं, तो हम इसको निकालेंगे। लेकिन निकालने से पहले हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी फिटिंगें जो है वो तैयार हो चुकी हैं, गर्म हो चुकी हैं, इसके लिए हमारे पास एक टाइम चार्ट है जिसमें लिखा गया है कि 20 एमएम की पाइप को गर्म होने के लिए कितना समय चाहिए, 25 एमएम की पाइप कितनी देर में गर्म होगी, 50 एमएम की अगर पाइप है वो कितनी देर में गर्म होगी। तो हमने इस टाइम चार्ट को फॉलो करना है, ये है हमारा वेल्डिंग टाइम चार्ट, इसको हम हीटिंग टाइम चार्ट भी बोलते हैं। इसकी मदद से देखो, ये जो है हमारा पाइप का एक्सटर्नल डायमीटर है, पाइप एक्सटर्नल डायमीटर। तो ये क्या बोल रहा है कि पाइप का एक्सटर्नल डायमीटर अगर 20 है तो हमारी कितनी लेंथ तक अंदर, हमने कितनी अंदर तक हीटिंग करनी है, 14 एमएम तक, 1.4 सेंटीमीटर, और टाइम कितना देना है इसको, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड तक हमने पाइप और फिटिंग दोनों को मेल और फीमेल सॉकेट में लगा के रखना है। जब 5 सेकेंड हो जाएंगे तो हमारे पास टाइम ऑफ असेंबली, इसका मतलब है कि जब हमने पाइपों को आपस में जोड़ना है, जैसे हमने मशीन से पाइप को निकाला, उसके बाद हमारे पास कितना टाइम रहेगा जिसमें हम इन फिटिंगों को आपस में जोड़ दें, तो वो टाइम है 4 सेकेंड। अगर आप 4 सेकेंड से ज्यादा डिले कर देते हैं तो क्या होगा, वो जो हमारी पाइप गर्म हुई थी वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी और फिर फ्यूजन नहीं हो पाएगा। फ्यूजन का मतलब है कि पाइप की फिटिंग और पाइप दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं और एक दूसरे में घुल मिल जाएं। अगर हमारी पाइप ठंडी हो जाएगी तो वो फिर एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाएगी, तो जोड़ हमारा लीक प्रूफ नहीं बनेगा। तो ये जो रेकमेंडेड टाइम चार्ट है
इसका आपने पूरा ध्यान रखना है कि कितनी देर तक हमने पाइप और फिटिंग को गर्म करना है और कितनी देर के अंदर पाइप और फिटिंग को आपस में जोड़ देना है। उसके बाद है कूलिंग टाइम। कूलिंग टाइम का मतलब है कि अगर आपने कहीं काम करते हुए ये जोड़ लगाया तो कितनी देर में आपका जोड़ जो है वो सेट हो जाएगा, तो ये है दो सेकेंड। जितनी छोटी पाइप होगी उतनी जल्दी सेट हो जाएगी, जितनी बड़ी पाइप है तो ये 10 सेकेंड तक भी जा सकता है। लेकिन हम क्या रेकमेंड करते हैं कि हम कम से कम 30 सेकेंड दे देते हैं ताकि हम अपनी तरफ से इंश्योर हो जाए कि हमारा जॉइंट जो अच्छी तरह से लग गया है। जब हम अभ्यास करेंगे, फर्स्ट टाइम हम करेंगे, तो हमने और भी ज्यादा टाइम देना है, कम से कम 30 सेकेंड तक हम रुक जाएंगे, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम इसको करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें इसमें सीखनी है, तो हम इसको 30 सेकेंड तक वेट करेंगे ठंडा होने के लिए। तो ऐसे टाइम चार्ट अलग अलग तरह की पाइप के लिए अलग अलग है, 20 सेकेंड के लिए, 25 के लिए, 32, 40, 50, 63, जो जो साइज की पाइप अवेलेबल है उसके ही अकॉर्डिंग जो टाइम चार्ट और कितनी डेप्थ तक हमने हीट करना है वो हमारे पास चार्ट अवेलेबल है। अगर आपके पास ये चार्ट है तो हमें जो हमने स्केल से डेप्थ मापी थी फिटिंग की वो मापने की हमें जरूरत नहीं रहेगी, अगर आप इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लेते हो। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो हम डेप्थ को मेजर करेंगे, जैसे जैसे हम काम करेंगे फील्ड में तो हमें ये चीजें याद हो जाएंगी कि कितनी फिटिंग को हमने कितनी डेप्थ तक और कितनी देर के लिए गर्म करना है और हमारे पास कितना टाइम होगा जिससे कि हम उनको आपस में जोड़ सकें। क्लियर है? अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। हमने देखा कि 5 सेकंड में 20 mm पाइप जो है गर्म हो गई अच्छी तरह से, उसकी फिटिंग और पाइप की आउटर सरफेस, फिटिंग का इनर सरफेस गर्म हो गए। हमने क्या करना, दोनों को बाहर निकालना है। बाहर वाली साइड को एरो लगा हुआ है, मतलब पाइप की फिटिंग और पाइप को पुल कर लेना है, दोनों को एक साथ गर्म करना है, दोनों को एक साथ ही बाहर निकालना है। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे, पुश द पाइप एंड फिटिंग स्ट्रेट टुगेदर इमीडिएटली। जैसे ही हमने पाइप को मशीन से निकाला, फिटिंग को मशीन से निकाला, इमीडिएटली तुरंत बाद हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ते समय आपने एक ध्यान रखना है कि क्या बोल रहा है, फिटिंग स्ट्रेट। इसका क्या मतलब है कि जब हम पाइप और फिटिंग को जोड़ेंगे तो हमने स्ट्रेट जोड़ना है उसको, ऐसे घुमाते हुए नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि पाइप जो है उसमें बिल्कुल इस टाइम उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को एक शेप में रख सके। अगर हम उसको घुमाते हुए डालने की कोशिश करेंगे तो बाहर का जो सरफेस है वो क्या होगा, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और एक जगह इकट्ठा हो सकता है। तो हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट डालना है, जैसे ये बताया गया ना, बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट हमने फिटिंग और पाइप को जोड़ देना है, इसको ऐसे घुमा के डालने की कोशिश हमने नहीं करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिटिंग को जोड़ने के बाद होल्ड द फ्यूज्ड पाइप पीस इन प्लेस फॉर 30 सेकेंड। जैसे मैंने बताया था ना कि 2 सेकंड में गर्म हो जाएगी 20 mm, और जो बड़ी पाइपें हैं वो 10 सेकंड की लेंगी। लेकिन अगर हम बिगिनर हैं, हम इस काम को सीख रहे हैं अभी, तो हम एटलीस्ट इसके लिए कितना टाइम देंगे, 30 सेकंड, ताकि ये 30 सेकंड में अच्छी तरह से जुड़ जाए। इस ज्वाइंट को जब हमने लगाना है, जब इस मशीन में हमने प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि आपको पता है मशीन बहुत ज्यादा गर्म है, तो हमने कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन इसमें फॉलो करनी है। यहां पर मैंने कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन लिखी है, लेकिन इन सबसे पहले एक और सेफ्टी है जो हमने फॉलो करनी है। जब भी हमने मशीन के साथ मेल और फीमेल सॉकेट जोड़ने हैं, तो हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि वो मेल और फीमेल सॉकेट पूरी तरह से क्लीन हो, उसमें पहले की जो हमने वेल्डिंग की थी उसका कोई इंप्रेशन ना हो, ताकि हमारा अगला जोड़ जो है बिल्कुल अच्छा बने। लेकिन वो साफ सफाई आपने मशीन को गर्म करने से पहले करनी है। जब मशीन को आपने हीटिंग में छोड़ दिया तब आप टच नहीं करोगे फिर मशीन को, अदरवाइज वो आपको आपके हाथ जला सकती है। दूसरी क्या है, एंश्योर दैट द पीपीआर वेल्डिंग मशीन इज प्रॉपरली ग्राउंडेड एंड दैट द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आर सिक्योर।
हमने ये एंश्योर करना है कि जो हमने फ्यूजन टूल है जिसको हम पीपीआर वेल्डिंग मशीन बोलते हैं, वह हमारी पूरी अच्छी तरह से, अगर आपने वर्कबेंच पे रखी है तो उसके फ्लोर के साथ जुड़ी हुई हो, अगर आप ग्राउंड में रख के कर रहे हो तो वो ग्राउंडेड हो, और जो हमने बिजली के कनेक्शन लगाने हैं वो बिल्कुल सिक्योर, उसमें कोई कट ना लगा हो, ऐसा ना हो कि काम करते हुए हम उस नंगी तार के कॉन्टैक्ट में आ गए, तो हमारा कनेक्शन बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। उसके बाद डू नॉट टच द हीटिंग एलिमेंट और एनी अदर हॉट सरफेस, जो हमारी मशीन थी उसका हीटिंग एलिमेंट भी टच नहीं करना है, और जो उसका हॉट प्लेट है कोई भी गर्म सरफेस आपने टच नहीं करना है, तो यह सबसे बड़ी इसमें प्रिकॉशन है। उसके बाद एक और ध्यान रखना है कि जैसे हमने मशीन से पाइप और फिटिंग को पुल करना है तो उसको हम ज्यादा टाइम ना दें, जितना टाइम चार्ट में रिकमेंडेड है जोड़ने के लिए उतने टाइम में जोड़ दें, कूलिंग के लिए आप चाहे जितना टाइम रिकमेंडेड है उससे ज्यादा लगा दें, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो जोड़ने का टाइम है वह नहीं बढ़ना चाहिए। जब मशीन से निकालेंगे फिटिंग और पाइप को तो उनको इमीडिएटली जोड़ना है, वो जितना लेट होगा तो हमारी जो फ्यूजन पाइप में जो हमने गर्म किया है पाइप को वो ठंडी होना शुरू होगी, जितनी पाइप ठंडी होगी जोड़ उतना ही हमारा लीकेज का कारण बन सकता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, इससे रिलेटेड जो हमने प्रैक्टिकल है उसको प्रैक्टिकली हम वर्कशॉप में जाके करेंगे, उसकी वीडियो भी हम नेक्स्ट जो वीडियो है प्रैक्टिकल की बनाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू।